बिलासपुर में हुई भारी बारिश ने जहां करियालक गांव में भारी तबाही मचाई थी, तो वहीं जबरदस्त लैंडस्लाइड के चलते 7 परिवारों के घर जमींदोज हो गए थे, जिसके बाद में 7 परिवारों के सदस्यों को करियालक गांव में ही बने सामुदायिक भवन में रहकर जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती थी। जहां एक और पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने अपनी आपबीती सुनाई, तो साथ ही प्रदेश सरकार से जल्द मकान व कृषि के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की भी गुहार लगाई है। 17 और 18 अगस्त को बिलासपुर में हुई भारी बारिश ने जहां करियाल गांव में भारी तबाही मचाई थी, तो वहीं जबरदस्त लैंडस्लाइड के चलते 7 परिवारों के घर जमींदोज हो गए थे, जिसके बाद से 7 परिवारों के सदस्यों को करियाल में ही बने सामुदायिक भवन में रहकर जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। जहां एक और पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने अपनी आप बीती सुनाई, तो साथ ही प्रदेश सरकार से जल्द मकान व कृषि के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की गुहार भी लगाई है। गौरतलब है कि ये सभी परिवार के सदस्य खेती बाड़ी कर जिंदगी गुजर बसर करते थे और लैंडस्लाइड के चलते उनकी सभी जमीन अब बंजर हो गई है। वहीं इस संबंध में बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल का कहना है कि सरकार द्वारा 22 जनवरी 2014 के तहत जारी निर्देश के अनुसार लैंडस्लाइड के दौरान पूरी तरह से जमीन खो चुके पीड़ित परिवारों के लिए 3 बिस्वा जमीन देने का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते उद्योग विभाग के सेरिकल्चर विंग के तहत उपयोग में नहीं लाई जा रही जमीन को पीड़ित परिवारों के नाम करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है और जल्द ही आपदा पीड़ित इलाकों का जायजा लेने सेंटर की एक टीम भी बिलासपुर आकर करियाल गाँव का निरीक्षण करेंगी। मकानों के लिए हमने एक गवर्नमेंट के हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो 2014 का एक इंस्ट्रक्शन है जो कि 22 जनवरी 2014 में जारी हुआ था, तो उसके अनुसार जो चाहे लैंडलेस भी नहीं है या लैंडेड हैं परंतु इनका टोटली जो डैमेज हो गया है और लैंड सुटेबल नहीं है मकान बनाने के लिए, तो उनके लिए एक स्कीम है, उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा तक प्रत्येक परिवार को जो है देने का प्रावधान है। तो हमने वहाँ उद्योग विभाग का जो सेरिकल्चर विंग है उनका एक मतलब उनकी एक होल्डिंग है जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो उसके हमने राजस्व कागजात लेके और उनकी संस्तुति भी ली है जिनके मकान गए हैं और ये गवर्नमेंट को आज हमने भेज दिया है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर मिनिस्ट्रियल एक टीम जो है एक कमेटी गठित की है, वो भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राज्यों का दौरा शीघ्र ही आने वाली है, तो उसमें भी हमसे कल सरकार ने कुछ स्पॉट्स मांगे थे कि जो उनको दिखाए जाने हैं, तो बिलासपुर ज़िला में हमने ये स्पॉट भी जो है वहाँ कमेटी को भी हम जो है दिखाएंगे।